कानून के दायरे में नाबालिग हो बालिग हो सभी दोषी है। बस तरीका उसका अलग अलग होता है, उसके वैधानिक तरीके अलग होते हैं। 5 से 6 घंटे के अंदर कांड का सफल उद्भेदन हुआ। सर कल नवगछिया में जिस तरीके से सरेआम स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी गई, क्या कहिएगा? देखिए कल लगभग 7:45 शाम की बात है, हमें जानकारी मिली दूरभाष पे ही कि एक स्वर्ण व्यवसायी को लूटने के ख्याल से कुछ क्रिमिनल्स आया था और उसी में गोली मार उसको जख्मी कर दिया है। तो मैंने यही कहा कि सबसे पहले जख्मी का इलाज कराया जाए, उसकी ज़िंदगी बचाई जाए। तुरंत SDPO इंस्पेक्टर टाउन अन्य पदाधिकारी दो टीम में बट गई है ना, मेरी पूरी टीम। एक टीम जो तुरंत पहुंचता है हॉस्पिटल ताकि उसका वहाँ बेहतर इलाज हो सके, और हमने ये भी कहा कि यदि बेहतर इलाज संभव नहीं है तो जहाँ हो वहाँ से रेफर भी करवाया जाए। फिर मायागंज गया, मायागंज मेरा पदाधिकारी साथ साथ में गया ताकि मायागंज की परेशानी ना हो। एक टीम ये काम कर रही थी, दूसरा टीम घटना स्थल पहुँच जाती है, वहाँ जाकर के देखा कि वहाँ पे जो अपराधी है उसका ये मोटरसाइकिल मोबाइल वहाँ पर छूटा हुआ है। फिर वहाँ से फिर जो CCTV कैमरा था आसपास का और फिर जो वहाँ पर इनपुट्स मिला हम लोगों को, तो वहाँ से फिर हम लोग जो टीम थी जो एक SIT गठित की गई थी SDPO साहब के नेतृत्व में, जिसमें SHO टाउन जो पड़ोसी थाना हमारे हैं रंगरा थाना प्रभारी गोपालपुर थाना प्रभारी और इस थाना के जो अच्छे पदाधिकारी हमारे हैं ये उमा शंकर है सब इंस्पेक्टर राहुल गोपालपुर के जो भी सामने आए और क्या कहते हैं एक सब इंस्पेक्टर आशुतोष और अन्य पदाधिकारी कश्यप SI कश्यप सभी के शामिल थे और DIO की टीम लगातार उन्होंने रात भर मेहनत किया। और मैं कह सकता हूँ कि मतलब बेहतरीन अनुसंधान का नमूना पेश करते हुए 5 से 6 घंटे के अंदर कांड का सफल उद्भेदन हुआ। इसमें अपराधी भी पकड़ा गया और अपराध करने में जो हथियार का प्रयोग हुआ था वो हथियार भी बरामद हुआ, कार्टिज भी बरामद हुआ और लोगों दोनों अपराधी जो है कन्फेस भी किया। तो घटना स्थल पे आपका दो अपराधी वहाँ पर था जिसका कि नाम दोनों चूँकि माइनर है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, दोनों माइनर बच्चा है। उसके अलावा दो और अपराधी थे जो बैकअप पे थे जिन्होंने कि मोटरसाइकिल और हथियार मुहैया कराया और बैकअप पे थे कि यदि तुम दो ट्रबल पड़ते हो, मतलब अपराध करने गए कोई ट्रबल पड़ते तो हम दो सपोर्ट में रहेंगे। नाबालिग को यूं ही छोड़ दिया जाएगा क्या? सवाल है जो आम बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं ना कौन छोड़ रहा है, किसको छोड़ रहा है? कानून के दायरे में नाबालिग हो बालिग हो सभी दोषी है, बस तरीका उसका अलग अलग होता है, उसके वैधानिक तरीके अलग होते हैं। मैंने बालिग का नाम लिया जो नाबालिग का, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। बालिग को लगेगी हथकड़ी, जो लड़का मैंने उसका हथकड़ी नहीं लगेगी, उसे मैं लॉकअप में बंद नहीं करूँगा। उसका तरीका अलग अलग केवल है, उसे कोई छोड़ नहीं रहा है, ये भ्रम है, भ्रम को दूर कर लीजिएगा। हथियार कहाँ से रिकवरी हुई है ये अनुसंधान का विषय है, वैसे जानकारी ले लीजिए। कन्फेशन पे ये हथियार मिला है खड़ी रेलवे स्टेशन के पास, दो जगह जो ये जो आर्म्स यूज किया पिस्टल वो रखा हुआ था एक जगह और उससे थोड़े दूर पे उसका मैगजीन में रखा, और डिटेल बातें सारी संधान का पिस्टल।